हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, बाकी दिनों की तरह आज भी हम लोग एक मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं और ये स्टॉक आज अपने क्वार्टर थ्री और नाइन मंथ इंडेड पीरियड के रिजल्ट भी लेकर के हम इन्वेस्टरों के सामने आने वाली है। तो वो स्टॉक कौन सा है दोस्तों? तो आपकी जानी पहचानी स्टॉक LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो कि ये L&T ग्रुप की कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि लास्ट ट्रेडिंग डे में इसमें हम लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इसमें तकरीबन 233 रुपये की भारी बिकवाली हम लोगों ने देखी है। आज ये कंपनी रिजल्ट लेकर के आएगी तो हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं और इसके प्राइस पैटर्न, जैसा कि हम लोग चार्ट में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से ये नीचे करेक्शन दे रहा है, क्या इन स्तरों पर हम लोग इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं और क्या ये और भी ऊपर जा सकता है या इन स्तरों से ये वापस नीचे लुढ़क जाएगा और काफ़ी नुकसान दे सकता है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के जरिए करने जा रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहोगे क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और LTI ने कैसा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि लास्ट वन ईयर में LTI ने तकरीबन 68% का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न है। एक साल में 68% का रिटर्न कम नहीं होता है, बहुत ही बेहतरीन है। और हम लोग बात करें दोस्तों कि इतना अच्छा रिटर्न एक साल में क्यों दिया है, तो इसके जो इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अट्रैक्टिव 27.5% देखने को मिल रहे हैं। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 37.9% देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अट्रैक्टिव 74%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 40.7 टाइम्स। कहने का मतलब है कि ये कंपनी पूरी तरह से सक्षम है, अपने जितने भी कर्ज हैं उसको वो पे करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अगर इसके डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.09, यानी कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है। हल्का फुल्का सा इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो बहुत ही शानदार इसके फाइनेंशियल पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं। इनके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में 18% CAGR से अपने सेल्स को बढ़ा पाने में सफल रही है। वहीं इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 18% से ही बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में ये 19% से अपने सेल्स को ग्रो कर पाने में सफल रही है। वहीं इनके प्रॉफिट ग्रोथ 15% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि इसके स्टॉक प्राइस लास्ट 3 ईयर्स में 56% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देखे हैं। तो इनके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। वहीं अगर इनके रिजर्व की बात की जाए तो इसके रिजर्व भी लगातार हम लोग ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही तकड़े ढंग से ये बिजनेस कर पाने में सफल रही है, जिसके चलते ये कंपनी लगातार रिजर्व बढ़ा पाई है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना ये कमाती है तो डिविडेंड बांटती है कि नहीं। तो ये देखिए, ये लगातार ये कंपनी डिविडेंड भी बांट रही है। ये देखिए, हर साल इनके डिविडेंड बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए दोस्तों, हम लोगों ने यही पाया है कि जिस कंपनी के बिजनेस अच्छे ग्रो करते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रो करते हैं, बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ते रहते हैं, वो कंपनियां आपको लगातार डिविडेंड भी देती है और इसके डिविडेंड के जो परसेंटेज होते हैं वो हर साल बढ़ते जाते हैं। यही स्थिति हम लोग LTI में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब क्या हो सकता है? ये जो गिरावट चल रही है, क्या LTI के जो आज रिजल्ट आएंगे उसके बाद इसमें रैली आ सकती है? तो ये तो कहना दोस्तों काफ़ी मुश्किल है। हम लोग सिर्फ ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं या खराब आ सकते हैं, और अगर अच्छे आएंगे तो
शेयर इन स्तरों से काफी ऊपर निकल सकता है। तो हम लोग फटाफट इसके रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिले हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग LTI के जो रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं लास्ट 5 क्वार्टर के, तो LTI के क्वार्टरली रिजल्ट के ट्रेंड को देखें, रेवेन्यू ट्रेंड को। तो ये देखिए एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा पाने में सफल रही है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से IT कंपनियों के ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट देखने को मिल रहे हैं, साथ ही L&T ग्रुप की माइंडट्री और LTTS ने भी काफी शानदार सेट ऑफ नंबर्स हम इन्वेस्टरों के सामने रखा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे इन सारे ट्रेंड को देखते हुए कि इसके जो आज Q3 के नंबर आएंगे उसमें भी हम लोग रिवेन्यू बढ़ करके आता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं सेम पीरियड में इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 417 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ करके नेक्स्ट क्वार्टर में 456 हुआ, फिर नेक्स्ट में 545 हो गया, फिर क्या हुआ दोस्तों मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट घट करके 496 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके रेवेन्यू बढ़े तो नेट प्रॉफिट क्यों घट गए थे। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो मैं लगातार ये बताते आ रहा था कि सारी IT कंपनियाँ अपने ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हुए बहुत ही लार्ज स्केल में न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे थे और पुराने टैलेंट को रिटेन करके रखने के लिए इन्होंने काफी सैलरी हाइक भी किया था, जिसके चलते इनके जो सैलरी हेड में एक्सपेंडिचर ज्यादा देखने को मिला था और उसके चलते इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें दबाव देखने को मिला था। लेकिन चूंकि ऑर्डर बुक बहुत सारे थे, ऑर्डर बुक तगड़े थे, तो उनका एग्जीक्यूशन टाइम में होना भी काफी जरूरी था। तो हम लोग लगातार ये बता रहे थे कि ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बढ़ते हुए रेवेन्यू और बढ़ते हुए प्रॉफिट में देखने को मिल सकेंगे। तो फिर जब सेकेंड क्वार्टर में इनके जो नेट प्रॉफिट आए वो देखिए फिर वापस रिस्टोर होते हुए देखे देखने को मिले, ये 552 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खराबी देखने को नहीं मिली। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जून क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट कम हुआ था उसको लेकर के मार्केट काफी निगेटिव हो गया था। अगर इसके चार्ट पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कि मार्च महीने से ही LTI में काफी सेलिंग देखने को मिल रही थी और ये स्टॉक काफी बुरी तरह से पिट रहा था, इसमें वापस उछाल भी आता था, फिर इसमें गिरावट आ जाती थी, उछाल आया फिर गिरावट आ गई, इसी तरह करके ये स्टॉक चल रहा था। और इस पीरियड में भी दोस्तों जो निवेशक थे वो काफी परेशान थे कि LTI के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर भी ये क्यों नहीं चलता है। तो इनके जो सैलरी हाइक हुए थे उसको लेकर के बाजार सहमा हुआ था और पता नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो इस स्टॉक में हम लोग रैली आता हुआ देखे और ये काफी तगड़ी रैली देखने को मिली। ये लोअर लेवल 3400 से ये देखिए ये 7500 के आसपास का रैली दिखा चुका है ये स्टॉक। अब वापस देखिए दोस्तों अब ये पुराने ट्रेंड में चला गया, अब न्यू लाइफ हाई बनाने के बाद इसमें करेक्शन आता है, फिर ये न्यू लाइफ हाई को वापस छूता है, फिर ये करेक्शन आ रहा है। तो ये काफी इनडिसिसिव मोड में जा चुका है। लेकिन अब हम लोग जैसा कि अभी एनालाइज करके ये पाए हैं कि इसके जो Q3 के नंबर रहेंगे दोस्तों वो काफी अच्छे रह सकते हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जो इसमें अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, करेक्शन का फेज चल रहा है, हम लोगों को इस स्टॉक में लगातार SIP मोड में खरीदारी करके चलनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि खरीदारी करके चलेंगे तो हम लोगों के लिए सपोर्ट कौन सा हो सकता है और टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर इसके रिजल्ट आए तो इसमें रैली जब बनेगी तो टारगेट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सपोर्ट के लिए एक प्राइस लेवल लगाते हैं दोस्तों, तो ये कौन सा प्राइस लेवल है दोस्तों, तो ये है 6425 का। तो 6425 को आप स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करोगे और
ऊपरी स्तरों में इसे कहाँ पर रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मैं आप व्यूअर से इस बीच में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप व्यूअर के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं कि इसे रेसिस्टेंस कहाँ मिल सकता है आने वाले समय में। तो इसके लिए हम लोग एक और प्राइस टैग का सहारा लेते हैं और जो लेवल निकल करके आ रहा है दोस्तों, वो कौन सा है? 7729। तो इस लेवल पर इस स्टॉक को काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए और हम लोग इस स्टॉक में बने रहें तो टारगेट कौन सा हो सकता है? थोड़ा जब नजरिया लंबा हो तो टारगेट जो निकल करके आ रहा है दोस्तों, वो 8476 का आ रहा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जो कंसोलिडेशन LTI में चल रहा है, आज इसके जब Q3 और 9 month इंडेड रिजल्ट आ जाएंगे तो ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलेगा और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं वो रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उस समय फिर से टारगेट और इसके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी तक के जितने आंकड़े हैं, डेटा हैं, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके Q3 के नंबर अच्छे आएंगे और इस स्टॉक में इन स्तरों से काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी पोर्टफोलियो में LTI के शेयर होंगे, तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कॉमेंट करके बताओगे कि आपने किस प्राइस पर LTI को बाई किया है और आपको क्या लगता है कि अगले 2 से 3 सालों में LTI किन स्तरों पर जाकर के ट्रेड कर सकता है। आप जरूर कमेंट करके बताएं, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।